अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज फिर से लाइट जाने वाली है और हमारी प्लानिंग शायद, और आज हम जा रहे हैं मेरे घर पे। इनकी खुशी देखें, खुशी ये चेहरे पे। अक्षा से मिलने जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए थे हमने अक्षा से मिले नहीं है ना, हमने बात की। तो अब जाके एकदम उन्हें सरप्राइज देंगे कि हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं। ये वीडियो जब तक अपलोड होगी तब तक तो उनके घर पे पहुँच जाएंगे, तो उन्हें सरप्राइज ही मिलेगा। देर हो रही है, इससे पहले कि लाइट आ जाए हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके लाइट के मज़े लेंगे, जब वहाँ पे लाइट जाएगी तो हम लोग अपने घर वापस आ जाएंगे फिर। तो भाई घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में समोसे की दुकान पड़ गई, तो यहाँ से सोचा समोसे ले लें, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, तो यहाँ से समोसे ले लेते हैं, वहाँ जाके चाय बनवा लेंगे। और समोसे हमारे पैक हो गए, अब निकलते हैं। लो भाई यहाँ पे भी लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट के चक्कर में आए थे और यहाँ पे भी लाइट है नहीं। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। यहाँ भी चलो ऐसे ही जूते उतारते हैं, अब थोड़ी देर यहाँ पे गर्मी बैठते हैं। पता नहीं यहाँ पे लाइट आने का क्या टाइम है, तो इंतज़ार करते हैं। तो भाई मुबारक है, यहाँ पे तो लाइट आ रही है, अब यहाँ पे लाइट का मज़े लेते हैं। जब तक यहाँ पे लाइट है इधर ही रहेंगे, हमारी अपनी लाइट आने का टाइम होगा तो हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। अभी बैठे हुए यहाँ पे, अरे ये क्या, ओह माय गॉड, देख रहे हैं हम लोग पाकिस्तानी हैं ही ऐसे। जब तक हम आखिरी घूर तक नहीं निचोड़ लेते ना, तब तक जूस के डब्बे को फेंकते नहीं हैं, उसको भी उल्टा कर करके देख रहे होते हैं, शायद एक आध बूंद निकल जाए। इसी तरह ये केबल, जब तक ये केबल अपनी आखिरी सांसें लेती रहेगी, इसको यूज़ करते रहेंगे जब तक इसका दम नहीं निकलेगा। जब ये बिल्कुल मर जाएगी, इसकी एक कब्र में पहुंचने वाली हो जाएगी, तब इसे फेंकेंगे। वो भी शायद फेंके नहीं, इसे किसी और काम में ले लेंगे। तो अभी तो चलो चार्जिंग हो रही है इसमें, तो अभी ये काबिल इस्तेमाल है, तो इसे अभी फेंक नहीं सकते। तो यहाँ खाने में समोसे मैक्रोनी, और समोसे तो हम रास्ते से लेकर आ गए थे और यहाँ पर मैक्रोनी बनी हुई और चाय बनवा ली थी। बेचारों को ये तुम्हारे घर से सामान लेकर जा रहे हैं हम लोग। हमने बोला था जब अंधेरा हो जाएगा तब लेकर जाएंगे। अपनी बाइक के पास आ गए, सामान यहाँ रख दो। बाइक के पास कुत्ता लेटा हुआ है, क्या है ये, तुम्हारा जानने वाला है कोई? देख लो, कोई जान पहचान वाला तो नहीं है, भगा दूँ इसे। सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा सिक्योरिटी गार्ड है ये तुम्हारा। तो भाई घर जाते हुए आ गए गलीटों पे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए आइसक्रीम नहीं खाए तो अपशगुन सा लगता है ना। मैडम आपकी लाइन, कोई लाइन नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। तो भाई टाइम आ गया आइसक्रीम सेलेक्ट करने का, और इसमें समझ में नहीं आता कौन सी आइसक्रीम सेलेक्ट करो। ये वाली भी खा ली, ये भी खाई हुई है, ये भी खाई हुई है, ये भी खाई थी, ये भी अच्छी है, ये भी, और वनीला सिंपल ही है, ये बटर स्कॉच ये बेकार है, दोबारा नहीं खानी कभी, याद रहेगा, इस पर क्रॉस मार दो। और कुकिंग एंड क्रीम, हाँ ये तभी ये भरी हुई नज़र आ रही है, बाकी और खाली खाली। कौन सी लेनी है? एक बेल्जियन चॉकलेट, और हाँ मैंगो अच्छी है इसकी, वो दोस्त भी बता रहा था। तो भाई उज़ैर भाई, ये आपके कहने पर हम मैंगो आइसक्रीम ले रहे हैं इस दफ़ा अल्पाइन की। मैंगो नहीं है, ऑरेंज। ओह मैंगो है नहीं, उज़ैर अपने घर की तरफ से भेज देना मैंगो आइसक्रीम। पाइन एप्पल या पिस्ता है? पिस्ता भी खा चुके हैं। वेल डन, क्या लेकर आए? एक पाइन एप्पल
और एक बेल्जियन चॉकलेट। वेरी गुड। खाली चलो स्टार्ट करें। तो कैसी आइसक्रीम? बिल्कुल लैंड हो चुकी है। आइसक्रीम को खा के ना मुझे हमेशा एक सीन याद आता है, शादी से पहले ना बहुत सर्दी हो रही थी एक बार, जब मेरी तबीयत भी ज़रा ऐसे ही थी अप डाउन, मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ ला, और दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मेरे अबू ने बोला नहीं अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं खाओ, जब तबीयत ठीक हो जाएगी जब खा रहा, तो मैंने अपने अबू को बोला अच्छा मैं धूप में बैठ के खा लूँगी। रुक कहाँ से आते हैं? और इस प्रभु मेरी शक्ल देख रहे कि मैं इसको मना करूं कि आइसक्रीम ला कर दूं, फिर मुझे आइसक्रीम मिली नहीं थी, अगले दिन मिली थी वो भी रात। मतलब ये शादी से पहले ही ऐसे थी, शादी के बाद ये ऐसे नहीं हुई है, पहले से ऐसी थी, मुझे ऐसी ही मिली थी, मैं ऐसी ही थी और ऐसे ही रहूंगी।